चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे NCERT कक्षा 10वीं की, समकालीन भारत सेकेंड के नाम से जो आपकी ओर से, उसी के बारे में बात कर रहे थे। इसमें हम लोग तीन चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। तीसरा चैप्टर था आपका जल संसाधन के बारे में। आज हमें बात करनी है कृषि के बारे में, खेती के बारे में, किसानों के बारे में। आप सभी से बस इतना ही कहूँगा कि समय रहते हुए आप सभी NCERT को कवर कर लें। हम लोगों ने आपकी कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 9वीं तक की सभी बुक्स कंप्लीट कर चुके हैं, और हम लोग आपकी कक्षा 12वीं तक की सभी बुक्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है? क्योंकि आप जानते हैं कि NCERT बड़े सिविल सर्विस हो, फिर चाहे आपका स्टेट PCS हो, बिना NCERT के कुछ नहीं उखड़ने वाला है। तो आपको पढ़ना तो है ही, इसलिए समय रहते हुए पढ़ लीजिए, ठीक है? खेती, कृषि, आप सभी को पता होगा कि एक बड़ी आबादी हमारी खेती पर, यानी कि कृषि पर निर्भर रहती है हमारे देश की। कई राज्य आप तो के ऐसे भी हैं कि 70 से 80% जनसंख्या वहाँ की खेती से ही अपना गुजर बसर जो भी होता है करती रहती है। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्य उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पाद जैसे चाय, कॉफी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात करती है। यहाँ प्राथमिक क्रिया कहने का मतलब कि ये आधार है। आप सोचिए कि आपका बिस्कुट बिस्किट बनाने का कोई कारखाना है, तो उसका भी तो आधार आपका कृषि ही है। जब कच्चा माल नहीं मिलेगा तो कहाँ से उत्पाद क्या बनाएंगे, समझ रहे हैं आप लोग? कृषि के अगर प्रकार की बात करें तो कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र बनाए गए। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि यानी कि अपना जीवन चलाने के लिए कृषि, इस प्रकार कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, ढाव और खुदाई करने वाली खाड़ी, छड़ी तथा परिवारों अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। अभी भी आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो जहाँ इस तरह का कोई, आप सोचें कि उर्वरक ना उपलब्ध हो, या तो वो अपना देसी जो उर्वरक होता है गोबर का खाद हो गया, इससे अपना जो भी भूमि होती है उसकी उर्वरता बढ़ाते हैं। और आपने देखा होगा कि बैलों से जुताई की जाती है वहाँ, समझ रहे हैं? तो उसी तरह की बात की जा रही है। अपने ही परिवार के जो मेंबर होते हैं उन्हीं के द्वारा मदद की जाती है। अधिकतर कृषि इसी प्रकार की होती थी पहले, आपने देखा होगा। आप तो खैर छोड़िए कि ट्रैक्टरों का इस्तेमाल होने लगा है, अच्छे अच्छे उर्वरक, अच्छे अच्छे बीजों का उपयोग होने लगा है। यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अनेक परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। क्योंकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। आप लोगों को बता दूं कि अब ये कृषि कम ही भागों पर की जाती है, लेकिन पहले एक कृषि आपकी जनजातीय जो इलाके होते थे, जनजाति होते थे आदिवासी, वो अधिक इस तरह की कृषि किया करते थे जंगलों को साफ करके। उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में से झूम खेती कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम की कृषि कहते हैं। मणिपुर में से पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहते हैं। इन नामों को अच्छे से याद रखिए। झूम कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में, मिल्पा बेनेजोला में, आपका कोनोको, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले,
और इंडोनेशिया में लादांग, वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। इनको भी अच्छी तरह से याद रख लीजिए, कई बार आपका प्रीलिम्स में पूछ लेगा क्वेश्चंस और आपका लगाने के लिए क्रम से आ जाएगा, या सही जोड़ियां मिलाते थे ना आप लोग बचपन में, उसी तरह से आपका मिलाने के लिए आ जाता है। भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में इसे बेवर या फिर दहिया कहते हैं, आंध्र प्रदेश में पोड़ू अथवा पेंडा, उड़ीसा में से पामा, डावी या फिर कोमान या फिर बरीगान, पश्चिमी घाट में आप देखेंगे पश्चिम घाट में से कुमारी, दक्षिण पूर्व राजस्थान में से वालरे या फिर वाल्टरे, हिमालयन क्षेत्र में से खिल, झारखंड में कुरवा, और उत्तर पूर्वी विदेशों में से झूम नाम दिया गया है, झूम खेती। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कुछ चित्र। रिंझा असम में डीफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। वह अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पतियों को काटकर जलाकर साफ करते देखकर आनंद का अनुभव करती है। वह प्रयास परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने से पानी लाकर अपने खेतों को सिंचित करने में सहायता करती है। वह अपनी परिस्थान से लगाव रखती है, जब तक संभव हो यहाँ रहना चाहती है, परंतु इस छोटी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की घटती और उर्वरता के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नए भूमि के टुकड़े की तलाश करनी होती थी। पहले क्या हुआ करता था कि खेत जंगलों में जो भी आदिवासी या जनजाति रहते थे, वो एक टुकड़े यानी कि पेड़ों को काटकर एक साफ करके एक खेत बना लिया करते थे। एक दो साल तक उस पर खेती किया करते थे। जब उसकी उर्वरता घटने लगती थी तो वो दूसरी जगह उसे छोड़कर उस जमीन को दूसरी जगह चले जाया करते थे। इससे क्या होता था कि जो पुरानी कृषि रहती थी वो 5-7 साल में फिर से उर्वरक हो जाती थी। उर्वर अब बात करते हैं गहन जीविका कृषि। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह सरम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है, और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव है। आप सोचिए कि एक समय पास आपके पास 10 बीघा जमीन थी, तो आपके पास बीघा जमीन तो उतनी ही है ना, लेकिन आपका परिवार बढ़ता जा रहा है। पहले आपके दादाजी अकेले थे, उसके बाद आपने देखा है दादाजी के 3 बेटे हुए, फिर उनके 4-10-7 बेटे हुए, इस तरह से बड़ा परिवार होता जा रहा है। तो आप जानते हैं कि परिवार होता है, बड़ा होता है, तो वो अपनी अपनी जमीन बांट भी लेते हैं, इसलिए कृषि का जो भी जो क्षेत्र होता है वो छोटा भी हो जाता है। एक आपकी होती है वाणिज्यिक कृषि, यानी कि कह सकते हैं इसे व्यापारिक कृषि। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेश, जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। वाणिज्यिक कृषि का कहने का मतलब है कि व्यापार के उद्देश्य यानी कि पैसा कमाने के उद्देश्य से खेती करना, समझ रहे हैं आप लोग, ज्यादा अच्छी पैदावार हो जिससे आप लोग उसे बेच सकें, पैसा आ सके, आपकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। रोपड़ कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है, और रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी वहां की मुख्य रोपण फसलें हैं। चूंकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, ये आप देख रहे हैं ना भारत के दक्षिणी भाग में केले की रोपण कृषि, ये आप उत्तर पूर्वी भारत में देखेंगे बांस की कृषि, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सस्त पैरू, आपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलता के संबंध में अध्ययन किया है। इस देश में कृषि पद्धतियों और सस्त प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है, इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार की खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। आपकी भारत में 3 सस्त ऋतुआं होती हैं, कौन कौन? रबी, खरीफ
और जायद, रबी, खरीफ और जायद। रबी फसलों की को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर की मत बोया जाता है। कब से? अक्टूबर से जो दिसंबर का समय समय आपकी रबी की फसल को बोया जाता है। इससे भी आपके क्वेश्चंस बन चुके हैं, याद रखिए सभी फसलों को, कौन सी फसल आपकी किसके तहत आती है। और इसे ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काट लिया जाता है। इसमें आप देखते हैं गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें आपकी। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं, उत्तर और उत्तरी पश्चिम राज्य से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उच्च भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। याद रखिए सबसे ज्यादा जो आपका हरित क्रांति थी, इसका फायदा आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तर पूर्वी जो आपका पश्चिमी सॉरी उत्तर प्रदेश है और राजस्थान के कुछ ही भागों में देखने को मिली थी। आप कहें कि पूरे भारत में हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा है? बिल्कुल नहीं पड़ा था, याद रखिए। खरीफ फसलें, अगर बात करें खरीफ फसलों की, तो देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, आपका मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर यानी कि अरहर, मूंग, उड़द जिसे उड़दा बोलते हैं, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है इसमें। ये सभी खरीफ की फसलों के अंतर्गत आते हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से अब की असम में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र का विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है चावल की खेती। आप याद रखिए पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन चुकी है। असम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा में धान की तीन फसलें ओस, अमन, बोरो बोई जाती हैं। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म यानी कि गर्मी में बोई जाने वाली फसल को हम लोग जायद फसल कहते हैं। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे और सब्जियों और चारे की फसलें की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने के में लगभग आपका एक वर्ष का टाइम लगता है। कितना? एक वर्ष का टाइम लगता है, यानी कि लंबा। मुख्य फसलों की अगर बात करें तो मुख्य फसलें मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलों की बात करें तो जैसे चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट इत्यादि आपके शामिल हैं। चावल की अगर हम बात करें तो भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। हमारे देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। और याद रखिए जनसंख्या के मामले में भी हम लोग चीन के बाद ही आते हैं और चावल के मामले में भी हम चीन के बाद ही हैं। ये देख रहे हैं ना आप लोग चावल की खेती, चावल रुपाई, आप अगर देखा होगा आपके यहाँ होता होगा चावल रुपाई। ये आपके प्रमुख क्षेत्र हो गए, गौण क्षेत्र हो गए, देख रहे हैं आप लोग, ये प्रमुख क्षेत्र और इस तरफ ये आपके गौण क्षेत्र। ये आपका भारत प्यारा है, अब तो इसे जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ये आपका पड़ोसी पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान से सीमा लगती है पीओके वाले। चीन, याद रखिए चीन से हमारी डायरेक्ट सीमा कभी नहीं लगती थी, लेकिन क्या हुआ कि चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, जब से हमारी सीमा तिब्बत से लगती है और इसे चाइना से भी लगने लगी। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, सबसे ज्यादा सीमा आपकी बांग्लादेश से लगती है, ठीक है। उसके बाद ये आपका पड़ोसी श्रीलंका है, ये अरब सागर हो गया, ये आपका बंगाल की खाड़ी हो गई, ठीक है। इन सभी को याद रखिए। और याद रखिए मैंने आपका मैप्स का पूरा पार्ट क्लियर किया हुआ है, बात की हुई है, पूरा आपका यूपीएससी लेवल का पढ़ाया गया है। तो आप मत मैप के नाम से या फिर मानचित्र के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसी में सभी डले हुए हैं। मैं तो कहता हूँ ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले उसे आप लोग एक से दो बार देख लीजिए, क्योंकि उसमें पूरा मैप्स का सहारा लेकर विश्व में जितने भी सभी विश्व भी कवर किया गया और काफी हद तक आपका भारत भी कवर किया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार देख लीजिए, अच्छा लगा तो पढ़िए वरना छोड़ दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, समझ रहे हैं आप। यह एक खरीफ की फसल है चावल, जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान चाहिए होता है और अधिक आर्द्रता यानी कि 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा की जरूरत होती है। इसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में से सिंचाई करके उगाया जाता है, यानी कि सिंचाई करके उगाया जाता है। मैदान में कटाई के लिए तैयार चावल की फसल दिख रही है आपको, ये पक चुकी है।
चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल की खेती की जाती है। समझ रहे हैं? गेहूं फिर आता है आपका। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। सिर्फ गेहूं के लिए इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ये आप देख रहे हैं ना, कृषि ये आपकी गेहूं है। और देश में गेहूं उगाने वाले दो प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन की काली मिट्टी वाला प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ भाग आपके गेहूं पैदा करने के लिए वाले मुख्य राज्य हैं। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण है। मोटे अनाजों की अगर हम बात करें तो ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य मोटे अनाज की फसलें। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। उदाहरणतः रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषण पोषक भूसी मिलते हैं। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। याद रखिए, आपकी अधिकतर फसल जो होती है वो कृषि यानी कि मानसून पर निर्भर रहती है आपकी कृषि। समझ रहे हैं? इसीलिए आपने एक शब्द सुना होगा कि आपकी जो भी कृषि है इसे मानसून का जुआ कहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर मानसून हुआ अच्छा आया, वर्षा अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी, अगर वर्षा अच्छी नहीं होती है तो फसल खराब रहती है। आप पूरा बुंदेलखंड देखिए, पूरा आपका इसी पर निर्भर है, यानी कि वर्षा के मौसम पर। फिर आपकी बाजरा या बलुआ उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल काली बलुआ दोमट उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्यों में आप देखेंगे कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। मक्का यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों में के रूप में प्रयोग होती है। यह एक खरीफ की फसल है। यह आपकी बाजरे की फसल है, देख रहे? ठीक है, चलिए कम से कम आप पिक्चर्स देख लीजिए। सामने तो पता नहीं कि देखने को कई लोगों को नहीं मिलती है, कम से कम आप तो यहाँ भी देख सकते हैं। मक्के की बात कर रहा था तो जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेश जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों, सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य। आप लोगों ने कभी इस तरह के भुंटे खाए हुए भूंज के? अगर खाए हैं तो ऐस लिखिए और नहीं खाए हैं तो नो लिखिए। अब तो आप देखते हैं कि बाजार में भी ये मिलने लगे, अब आपको शहरों में भी उपलब्ध हैं तो आपको जाने की जरूरत नहीं होगी। ये आपके प्रमुख क्षेत्र हो गए, गौण क्षेत्र हो गए। देखिए ये प्रमुख क्षेत्र, समझ रहे हैं? ये आपके गौण क्षेत्र हो गए, सॉरी ए गौण क्षेत्र यानी कि कम, प्रमुख क्षेत्र मतलब मैंने लिया, समझ रहे हैं? दालों की अगर बात करें तो भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, यानी कि खाने वाले हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है और उत्पादन भी सबसे ज्यादा होता है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीन दायक होती हैं, क्योंकि आप जानते हैं हम लोग एक धार्मिक से जुड़े रहते हैं, धर्म से, धर्म में हमारी आस्था रहती है। तो कई धर्म आपके ऐसे भी हैं जिनमें आप जानते हैं कि मांस खाने की अनुमति नहीं है, तो उसमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो वो आपकी दालों से ले ली जाती है, पूरी कर ली जाती है। समझ रहे हैं आप लोग? तोर, अरहर, उदड़, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दाल खरीफ में और कौन सी दाल रबी में उगाई जाती है? याद रखिए खरीफ में आप खरीफ में देखेंगे कि मटर और चना उगाई जाती है, मटर चना, और उदड़ और मूंग देखेंगे कि आप बरसात के मौसम में यानी कि रबी की फसल में उगाई जाती है। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है, इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है।
फलीदार फसल होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य। एक बात याद रखिए कि अभी आपका क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन चुका था, यूपीपीसीएस में भी कई बार बन चुका है कि नाइट्रोजन के लिए अच्छा मतलब ये वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाती है क्या, दालें की जड़ें यानी कि दालें, ठीक है, दालें को, दाल के पौधे। खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलों की बात करें जैसे गन्ना। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से आपका 100 सेंटीमीटर सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा और वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है आपकी गन्ना। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है गन्ने को। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा देश है, यानी कि कह सकते हैं कि ब्राजील सबसे ज्यादा गन्ना उगाता है। या गन्ने की बात करें तो यह चीनी, गुड़, खांडसारी और सिरा सिरा बनाने के काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य। उत्तर प्रदेश में आप सबसे ज्यादा देखते हैं, देख लीजिए ये गन्ने की खेती। आप लोगों को अपने क्षेत्र में बताना है कि कौन कौन सी फसल होती है और आप लोगों ने गन्ना, चूसा, इस तरह के मतलब जो भी उपयोग होते हैं उन्हें बताना है आपको नीचे, ठीक है। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसमें सबसे ज्यादा फसल कौन सी होती है उसके बारे में आप लोग नीचे बताइए। तिलहन 2015 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। सन 2015 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल तेल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी, सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहनी फसलें। इसमें से अधिकतर खाद्य और खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इसमें इनमें से कुछ तेल के बीजों का साबुन, प्रसाधन यानी कि श्रृंगार का सामान और उबटन उद्योगों के कच्चे माल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। मूंगफली आपकी खरीफ की फसल है तथा देश के मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र मूंगफली के मुख्य उत्पादक राज्य। अलसी, सरसों रबी की फसल है। अलसी सरसों आपकी रबी की फसल है। तिल उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। अरंडी और खरीफ रबी की दोनों फसलें ऋतुओं में बोई जाती हैं। सॉरी, माफ करिए, क्यों बात बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखिए जो मटर होती है आपकी और सरसों होती है, गेहूं होता है, चना होता है, ये आपका कब बोया जाता है, ये बोया जाता है आपका रबी की फसलें। मूंग होती है, उड़द होती है और जो सोयाबीन होता है एक खरीफ की फसल है। याद रखिए, मैं पीछे थोड़ा जल्दी में था इसलिए गलत बचा चुका था, ठीक है। वैसे आप लोग पीछे भी अच्छे तरह से पढ़ चुके हैं तो जब भी मैं गलत बता देता हूँ आपको लगता है कि गलत है, दिक्कत है आपको आ रही, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिएगा। कभी कभी ध्यान नहीं रहता, आप जानते हैं। मैदान में कटाई के लिए तैयार मूंगफली, ये आपकी मूंगफली हो गई, ये आपकी सूरजमुखी और सरसों, देखते हैं। ये चाय की कृषि हो गई, चाय की पत्तियों को चुनती श्रमिक महिलाएं। चाय की बात करें तो चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर उष्ण, नम, पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती थी। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती थी। चाय एक श्रम सघन उद्योग है, इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम आवश्यक यानी कि बेहतर मेहनत की आवश्यकता होती है। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती थी। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियां तमिलनाडु और केरल है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय,
आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। सन 2015 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, चाय उत्पादक देश था। एक बात आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ जो भी आपके आपसे बजट पढ़ने के लिए क्यों किया कहा जाता है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ने के लिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए आपसे करंट में जो भी आंकड़े आए करेंगे लेटेस्ट, उनमें आप लोग देख लिया करिएगा कि भारत का किस नंबर पर स्थान है, ठीक है, अपने राज्यों का किस स्थान पर नाम नंबर है हमारा। चाय हमारे लिए, हमारे यहाँ बहुत लोगों की आदत बन जाती है चाय की। कुछ सालों पहले, मतलब कुछ ही सालों पहले, मुझे भी चाय पीने की बड़ी बड़ी आदत बुरी हो चुकी थी। मैं जब भी लाइब्रेरी में बैठता था तो दिन में कम से कम 10 से 15 चाय कप चाय पी जाया करता। समझ रहे हैं आप लोग कि मुझे इतनी हैबिट लग गई थी कि अगर मुझे नींद नहीं आती थी, अगर मैं उठ गया मुझे चाय पीने नहीं मिल रहा है अगर, तो मुझे नींद नहीं आती थी दोबारा। तो मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, मतलब बता रहा हूँ कि चाय पीते पीते मुझे बड़ी तलब सी लगती थी। एक तरफ आप जानते नहीं हैं कि लोगों को दारू सिगरेट की तलब लगती, मुझे चाय की तलब लग गई थी। लेकिन बाद में मैंने पूरी तरह से कंट्रोल करके छोड़ दिया ऐसे। अब अगर मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो अच्छा। लेकिन उस समय आप सोचिए कि लाइब्रेरी में बैठे हो तो खाना खाने फिर जाइए, फिर उठना फिर आना, इसलिए चाय में ही काम चलाना और नींद के लिए सबसे बेहतर रहता था कि एक गर्म चाय आई, आप पढ़ते रहिए और नींद आपकी पूरी ना हो, या कुछ भी हो काम बन जाता है। कॉफी, भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफी को की विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बोधन पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में की जाती है, यानी कि कह सकते हैं दक्षिण भारत में। फिर आपकी बागवानी फसलें, सन 2015 में भारत विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, यानी कि देख रहे हैं आप लोग कि कई फसलों में हम चीन के बाद दूसरे स्थान पर हैं। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादन है करता है। भारतीय फलों जिनमें आप देखेंगे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी, मेघालय के संतरे, केरल मिजोरम और महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश बिहार की लीची, मेघालय के अनानास और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट विश्व भर में बहुत ही मांग है इनकी और इनके लिए आप प्रसिद्ध हैं भी ये क्षेत्र सभी। ये आप देख रहे हैं अखरोट, सेब, अनार, आप जब भी बीमार होते हैं तो आपसे कहा जाता है फल खाइए। भारत का मटर, फूल गोभी, प्याज, बंदर गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है, जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों का पर फलता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन भी किया जाता है। समझ रहे हैं आप लोग। यह आपकी सब्जियां दी गई हैं, मटर, फूल गोभी, टमाटर, बैंगन। आखाद्य फसलों की बात करें, रबड़, रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसको 2200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार, द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाई जाती है आपकी रबड़। रेशेदार फसलों की बात करें, कपास, जूट, सन प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली चार मुख्य रेशेदार फसलें हैं। इनमें से पहले तीन मिट्टी में फसलें उगाने से प्राप्त होती हैं और चौथा रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है, जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है और रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम कहलाता है, रेशम उत्पादन यानी कि सेरीकल्चर कहलाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कपास। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है, यानी कि कहा जाता है कि कपास का उत्पादन भारत से ही शुरू हुआ है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे नंबर पर है। दक्कन पठार के शुष्क
भागों में काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। आप लोग जानते हैं कि इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी, क्योंकि यह कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, सिंचाई और 210 पाला रहे दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है और इसे पककर तैयार होने में कम से कम आपका 6 से 8 महीने लगता है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कपास उत्पादक राज्य हैं सभी। ठीक है, ये आपकी कपास की खेती है, देख रहे हैं ना आप लोग कपास की खेती को। ठीक है, फिर आपका आगे चलते हम लोग जूट। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट को क्या? सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदान में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसका प्रयोग बोरियों, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे के गलीचे, दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। इसकी उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री विशेषकर नाइलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो गई है। फिर आपकी प्रौद्योगिकीय और संस्थागत सुधार। जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है और इसकी गति मंद हो जाती है। सिंचाई के साधनों का प्रयोग विकास होने से के उपरांत भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर रहते हैं। आपको बताया ना कि मेरे बघेलखंड और बुंदेलखंड इसके आपके उदाहरण है। यहाँ जो भी किसान है यहाँ मानसून पर ही अधिकतर निर्भर रहते हैं। और जो आपकी खरीफ की फसल है तो पूरी तरह से मानसून पर ही आपने देखा है निर्भर रहती है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती भी है। 60% से भी अधिक लोगों की वो आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में मुख्य गंभीर तकनीकी और संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार लाने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता और जमींदारी आदि समाप्त करने की प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। याद रखिए, जो पंचवर्षीय योजनाएं थी ये आपका योजना आयोग बनाता था और ये आपका 1950 से बनाने लगे थे। याद रखिए, 2017 के बाद इसे खत्म कर दिया गया। 12वीं पंचवर्षीय के बाद इसे खत्म कर दिया गया और योजना आयोग की जगह अब आपका नीति आयोग आ चुका है 1 जनवरी 2015 से। ठीक है, भूमि सुधार के कानून तो बने परंतु इनके लागू करने में ढील की गई। 1960 और 1970 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत भी की है। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ऑपरेशन प्लेट जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की गई, परंतु इसके कारण विकास में कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गई है। इसलिए 1980 और 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया जो संस्थागत और तकनीकी सुधार पर आधारित था। इस दिशा में उठाई गई कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग, बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान, किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना की गई। क्योंकि आप समझते हैं कि एक किसान क्या करते थे कि साहूकारों पर निर्भर रहते थे और साहूकार बहुत ज्यादा ऋण पर ब्याज लेते थे। इससे एक तरह से किसान फंसता जाता था, बहुत बुरी तरह से किसान फंस जाता था इनके चक्कर में। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू की है। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के लिए बुलेटिन, कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य यानी कि मिनिमम प्राइस दिया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्य की सरकार घोषणा करती है। याद रखिए, आपका जो मिनिमम प्राइस होता है ये आपका देखते हैं आप सोसाइटी होती है, आपके यहाँ कोटा होता है, जब वही खरीदती है सरकार तभी दिया जाता है। अगर आप किसी
व्यापारी को देते हैं, तब आपकी इस तरह का प्राइस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? याद रखिए, ये आप देख रहे हैं ना कृषि में उपयोग होने वाले नवीन तकनीकी, ये आपका ट्रैक्टर, ये भी आपका ट्रैक्टर में सीड ड्रिल की तरह है, ठीक है? भूदान ग्रामदान, महात्मा गांधी ने विनोबा भावे जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा में गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पदयात्रा की। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के एक गांव पोचमपल्ली में बोल रहे थे, तो कुछ भूमिहीन गरीब किसान ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वादा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात करके उनके लिए जमीन मुहैया करवा सकते हैं। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए। उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। इसे भूदान के नाम से जाना जाता है। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपने यह विचार पूरे भारत में फैलाए। कुछ जमींदारों ने, जो अनेक गांव के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव दान देने की पेशकश की। इसे ग्रामदान कहा गया, परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया। विनोबा भावे द्वारा शुरू की गई इस भूदान ग्राम आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया। याद रखिए, पहले व्यक्ति बहुत सहज हुआ करते थे, बहुत अच्छे हुआ करते थे। आप सोचिए कि अपनी जो जमीन हुआ करती थी, वो जिनके पास जमीन नहीं उन्हें दान दे दिया करते थे। लेकिन इस समय आप देखेंगे इस तरह की इंसानियत खत्म हो चुकी है। अब अपनी दान देने की छोड़िए, दूसरे की भी जमीन हड़पने की कोशिश करने लगेंगे। कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और रोजगार उत्पादन में योगदान की बात करेंगे कृषि क्षेत्र का, तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी यह 2010-11 में देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन बन गया था, साधन थी। और कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रगति रोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएंगे, जो समाज के लिए व्यापक निहितार्थ हैं। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, पशु चिकित्सा सेवाएं, पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को वरीयता दी। इससे क्या होगा कि किसानों की आय बढ़ जाएगी और किसानों की स्थिति में सुधार होगा। तालिका 4.1 से स्पष्ट होता है कि पिछले वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में भी वृद्धि हुई है, परंतु इससे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। कृषि में विकास की दर कम हो रही है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। वर्तमान में भारतीय किसानों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से एक बड़ी चुनौती का सामना कर कृषि सेक्टर में विशेष रूप से करना पड़ रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये आपकी 2015 तक के आंकड़े हैं। कृषि का आपका 4.2, उसके बाद 0.2 माइनस में 1.1। आप उद्योग की देखेंगे तो बढ़ता जा रहा है, 5.0, फिर 5.9, 7.3। सेवाओं का देखेगा तो इसमें आप देखेंगे 7.8, 10.3 और 9.3 योगदान। सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो 6.6, 7.2, 7.6। समझ रहे हैं? ये आप लोग, इन्हें आपको समझाने के लिए आंकड़े दिए गए। याद रखिए, जब भी पेपर देने जाते हैं उस समय के आर्थिक सर्वेक्षण आप लोग अच्छे से पढ़ लिया करिएगा, और आप लोग बजट भी अच्छे से पढ़ लिया करिएगा, उससे क्वेश्चन अधिकतर पूछने को मिलते हैं आपको। रासायनिक उर्वरकों पर सहायकी का कम करने से उत्पादन लागत बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादों पर आयात कर घटाने से भी देश में कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। किसान कृषि में पूंजी निवेश कर कम कर रहे हैं, जिससे के कारण कृषि में रोजगार घट रहा है। आप सोचिए कि आपके यहाँ गेहूं उत्पादन हुआ है, बाहर से गेहूं आ रहा है, उस पर अगर आप कर घटा देते हैं तो जो आपके यहाँ उत्पादन गेहूं हुआ वो सस्ता, आप सोचिए बांग्लादेश से आपके यहाँ गेहूं आ रहा है, मान लीजिए आपने उसे कर नहीं लगाया उस पर, तो हमारे किसान अगर 20 रुपये किलो बेचते हैं, अगर वो 15 रुपये किलो बेचेंगे तो आप सोचिए कि हमारे देश के जो किसान है उन्हें नुकसान होगा। इससे और बुरी स्थिति देखने को मिल रही है।
वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव की बात करें तो वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है, उपनिवेश काल में भी यह स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उस समय भी भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे और दक्षिण भारत में किसानों की को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। आज भी गर्म मसाले भारत में से निर्यात किए जाने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल है। ब्रिटिश काल में अंग्रेजी व्यापारी भारत की कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया। मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाली उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर फली फूली। आपने 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। याद रखिए वही आंदोलन है जिसमें गांधी जी काफी चर्चा रहे और गांधी जी यहीं से सफल आंदोलन माना जाता है भारत में का, यहीं से आपके विकास में आए गांधी जी, सब लोग जानने लगे। इसकी शुरुआत इसलिए हुई कि इस क्षेत्र में किसानों के ऊपर नील की खेती करने के लिए दबाव डाला गया। नील ब्रिटेन की सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल था। एक किसान इसलिए भड़के क्योंकि उन्हें अपने उपयोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया गया। याद रखिए आपके किसान क्यों पता है भारत की ओर अग्रसर क्यों हुए अंग्रेज, और मसालों के लिए, कपड़ों के लिए। यहां तक कहा जाता है कि वहां के जो महाराजा राजा हुआ करते थे बड़े बड़े घराने, वो भी हमारे यहाँ के कपड़ों को पहनते थे, इतनी मांग थी हमारे यहाँ के कपड़ों की, समझ रहे हैं विदेशों में। आज देखिए आज हम लोग कितने बुरी तरह से पिछड़ते जा रहे हैं। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफी, जूट, मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ रही, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाती। यानी कि कहने का मतलब है कि वहाँ के जो भी किसान हैं उन्हें अधिक सहायता दी जाती है सरकार की तरफ से, और हमारे यहाँ के किसानों की हालत आप जानते हैं कि पंचायत में अगर उनके लिए बीज भी आता है तो सरपंच साहब डकार जाते हैं। और हमारे यहाँ के किसानों की हालत देख सकते हैं कि ना तो मिट्टी की कभी गुणवत्ता की जांच होती है और ना ही और दूसरी सुविधाएं मिलती हैं, तो आप सोच सकते हैं कि किसान हमारे यहाँ के कितनी बुरी तरह से प्रभावित हैं। और अभी लगातार पिछले सालों में आपने देखा है कितने किसानों ने सुसाइड किया हुआ है, यानी कि आत्महत्या की परेशान होकर। सागौन के किलोम का ऊतक समर्थन है। आज भारतीय कृषि दोराहे पर है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा। हरित क्रांति ने लंबा चौड़ा वायदा किया परंतु आज यह कई विवादों से घिरी है। यह आरोप लगाया जाता रहा है कि हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अधिक प्रयोग और जल भरतों के सूखने और जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। आज जीन क्रांति संकेत शब्द है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है आपकी। ये आप देख रहे हैं विकसित एवं विकासशील देशों में कीटनाशकों के भारी उपयोग से संबंधित समस्याएं सामने आ रही हैं। वास्तव में कार्बनिक कृषि का आज अधिक विचलन है क्योंकि यह उर्वरक और कीटनाशकों जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती है, इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जूतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती ही होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकारमय है। भारत में लगभग आपके 83.3 करोड़ लोग लगभग आपके 25 करोड़ हेक्टर भूमि पर निर्भर हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टर से भी कम कृषि भूमि आती है। भारतीय किसानों को सस्वर्धन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए, इससे आमदनी अधिक होगी और इसके साथ ही पर्यावरण निम्नीकरण में कमी आएगी। फलों, औषधीय पौधों, बायोडीजल फसलों, जटरोफा और जोजोबा और फूलों और सब्जियों के उगाने के लिए चावल या फिर गन्ने में से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमतें फसलें उगाकर उपयोग किया जा सकता है। एक बात और बोले अब क्या हमारे देश में क्या देखा जाता है कि क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आपके पास अगर 5 बीघा जमीन है तो और 5 भाई हैं आप लोग, तो 5ों भाई आप लोग खेती पर ही निर्भर करने लगेंगे, उसी में सिमटते रह जाएंगे। आप ऐसा भी तो कर सकते हैं एक आदमी खेती करिए और बाकी आप पशुपालन भी कर सकते हैं और भी काम धंधे कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि परिवार की स्थिति भी सुधर सकती है और आप सोचेंगे आय भी आपके यहाँ अधिक होगी। लेकिन अधिकतर हमारे यहाँ के किसान क्या है कि
एक ही एकड़ और 2 ही एकड़ में पूरा परिवार सबटा रहेगा। तो आप समझती है कि जहां एक आदमी की जरूरत है वहां 10 आदमी काम करेंगे तो क्या फायदा होगा? कुछ नहीं। अनाजों के स्थान पर उच्च मूल्य की फसलों को उगाकर सस्ते प्रारूप में परिवर्तन का अर्थ होगा कि भारत को खाद्य पदार्थों का आयात करना पड़ेगा। 1960 के दशक में इसे एक आपदा के रूप में देखा गया होता, परंतु यदि हम कीमती कीमती फसलों के उत्पाद निर्यात करके खाद्यान्न आयात करते तो हमें भी चिली, इजराइल, इटली की अर्थव्यवस्था का अनुसरण करेंगे, जो विभिन्न कृषि उत्पादों, फल, शराब, जैतून विशेषकर भी निर्यात करके खाद्य पदार्थ आयात करते हैं। क्या है यह, हम खतरा मोल लेने को तैयार हैं? समझ रहे हैं, मतलब इस तरह का खतरा भी नहीं ले सकते। जेनेरिक इंजीनियरिंग बीजों की नई संकर किस्मों का आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक के रूप में जानी जाती है। आप सोचिए कि अगर आप लोग कोरोना के इस महामारी के टाइम अगर आप खाद्यान्न उत्पादन नहीं होता आपके यहाँ, तो मुझे लगता है कि जितनी जनसंख्या कोरोना महामारी से नहीं मारी जाती उससे ज्यादा भूख से मारी जाती, क्योंकि आयात अभी आप देख रहे हैं कि पूरी तरफ से ठप पड़ा हुआ है। और जो सरकार वादा किया करती थी कि हम जनसंख्या को अपनी को 3 साल बैठा के खिला सकते हैं, वो सभी उजागर हो गई। स्वास्थ्य व्यवस्था की आप देखिए कि पूरी स्थिति उजागर हो चुकी है, कोई इंतजाम नहीं हमारे देश में स्वास्थ्य व्यवस्था में। आप शिक्षा व्यवस्था में देखिए, हर तरह से सरकार उजागर हो चुकी है। जो नेता हमारे चिल्लाते रहते थे कि ये हमारे देश में वो है, समझ रहे हैं? तो कोरोना महामारी एक तरह से आप सोचिए कि हमारे देश में बहुत कुछ देखे भी जा रहा है। एक सीख सबसे बड़ी कि हमें अपनी अस्पतालों की स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत है, समझ रहे हैं? कई क्षेत्रों में आपको सुधार करने की जरूरत है। ये इसी अध्याय से संबंधित आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें लगाते रहिए। और याद रखिए पीडीएफ आपकी सभी टेलीग्राम पर डली हुई है, वहां से डाउनलोड करते रहिए। और अगर टाइम मिलता है तो 1 से 2 बार इन्हें इस बुक्स को एक बार और पढ़ लें आप लोग। बस 1 से 2 बार पढ़ेंगे आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई सब ऐसा आपको शब्द मिला हो जो आपको समझ में ना आए, सब नॉर्मल लिखे गए हैं शब्द। अगर आपको इतने भी शब्द अगर समझ में नहीं आते हैं तो बहुत अच्छे ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आगे जो टेक्स्ट बुक लिखी गई है आप स्पेशल बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? चलिए तो हम लोग 5वें अध्याय में मिलेंगे, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन को देखेंगे हम लोग।